दिल्ली में उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच सीलिंग के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। एक तरफ आप सरकार सीलिंग के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल को दोषी मान रही है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच आज दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी ने आप पर बदसलूकी का आरोप लगाया है, जिस पर सीएम केजरीवाल ने सफाई दी है। साथ ही सीलिंग को लेकर सीधे सीधे केंद्र और एलजी को घेरा है। दिल्ली में इस वक्त सीलिंग पर संग्राम छिड़ा है, जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी व्यापारियों की हितैषी बनने के लिए आर पार के मूड में आ गई हैं। बताया जा रहा है कि सीलिंग के मुद्दे पर आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचा था, लेकिन केजरीवाल ने उनसे अकेले में मिलने से इनकार कर दिया। मीडिया के सामने मनोज तिवारी ने केजरीवाल के सामने कई सवाल दागे, साथ ही खुली बैठक पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमने सीएम से कई बार मिलने का समय मांगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने समय नहीं दिया, जिसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान आप और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए और कुछ नेताओं के साथ धक्का मुक्की भी की गई, जिसे लेकर अब मनोज तिवारी ने आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आरोपों को सीएम केजरीवाल ने सिरे से खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने सीलिंग के लिए केंद्र सरकार और एलजी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार चाहे तो सीलिंग 24 घंटे में रुक सकती है। उन्होंने बताया कि हमने 25 जनवरी को उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें सीलिंग रोकने के लिए 4 उपाय सुझाए गए थे, लेकिन एलजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए अब हम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में व्यापारियों ने 3 और 4 फरवरी को महाबंद का ऐलान किया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।